लाख लोगों को नौकरी भी देने का काम किए। हमेशा जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो वादा करते हैं उस वादा को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो है चुनाव की तैयारी में तो तेजस्वी यादव जी पांचों साल लगे रहते हैं। और दैनिक लाजमी 24 में हूं वीरेंद्र कुमार। 17 तारीख को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमुई की पावन धरती पर आ रहे हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री विजय प्रकाश, साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव, काजू यादव, गुड्डू यादव, चंद्रदेव यादव, पप्पू यादव समेत तमाम नेताओं ने तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि 17 तारीख को आए। जिस प्रकार आप जान रहे हैं कि पूर्व मंत्री जी विजय प्रकाश ने हमारे साथ जुड़ते हुए बताया कि तेजस्वी यादव कुछ लोगों को सम्मानित भी करेंगे और जनता में एक तरह से और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो जान फूकने का काम करें। आपको पता है अगले साल विधानसभा चुनाव, ऐसे में तेजस्वी यादव फुल्ली चार्ज हैं, और देखना दिलचस्प होगा आगामी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की कितने लालटेन जल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा था, क्या कुछ हो रहा था आज 17 तारीख को? आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन और सम्मान सम्मेलन है, उसी की तैयारी में हम लोग आए हुए हैं। और जो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया जाता है उसी की तैयारी में आज हम लोग झाझा प्रखंड में आए हैं। कल बरहट प्रखंड और जो है लक्ष्मीपुर प्रखंड में कार्यक्रम था, आज झाझा और गिद्धौर प्रखंड में कार्यक्रम है। और उसके साथ साथ घड़ी का वितरण जो हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन लोगों को घड़ी का वितरण किया जाएगा। और 17 तारीख को सभी कार्यकर्ताओं से कहने के लिए आए कि जिनको जिनका पास इशू होगा, जिनको बुलाया गया है नियमानुसार राजद के गाइडलाइन के अनुसार, वह सब आकर संवाद कार्यक्रम में भाग लें। और तेजस्वी जी जिस तरह से कार्यकर्ताओं को चलने के लिए बताने का काम करेंगे, उस स्तर पर हम लोगों को बूथ स्तर तक जो है उनकी बातों को पहुंचाने का काम करें। कहीं ना कहीं सर माना जाए कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी अभी से तैयारियों में लग गए हैं। माना क्या जाए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी 5 वर्षों से लगातार हम लोग कई कार्यक्रम किए हैं, वह जो है जनता के बीच में लगे हुए हैं, बीच में सरकार में भी आए। तो जो चुनाव में वादा किए थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, मात्र 17 महीना में जो है लाख लोगों को नौकरी भी देने का काम किए। हमेशा जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो वादा करते हैं उस वादा को निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो है चुनाव की तैयारी में तो तेजस्वी यादव जी पांचों साल लगे रहते हैं और कार्यकर्ताओं को जो है आगाह करते रहते हैं। इसी बीच ऊपर आप लोग जो भी हमारे सम्मानित नेतागण हैं और सम्मानित हमारे पंचायत अध्यक्ष जी और जो भी हमारे बीच अपनी बात को रख रहे हैं उसी पर ध्यान देंगे और उसी की ओर सब बात करेंगे। बिहार के भावी भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जो उन्होंने रखा गया है, जिसमें चारों विधानसभा के इलाके प्रखंड इलाके कमेटी और पंचायत अध्यक्ष और 16 प्रकोष्ठ जो है उनका अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष उनके पास आप लोगों को जमा करना है और वो हमारे पास जिला में भेजेंगे तो हम प्रदेश में उस सूची को भेजेंगे और उसके बाद अप्रूवल होकर आएगा तो बनेगा, उसके बाद ही एंट्री होगा जिनके पास और अब आपके लिए हम लोग के साथ युवा संघ के राज्य गांव में है।